भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। दोस्तों, झूठ के हाथ पैर, दोस्तों ये तो पता है कि झूठ के हाथ पैर नहीं होते और झूठ बोलने वाले का कोई जमीर, कोई ईमान नहीं होता। एक झूठ आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला, करोड़ों लोगों ने सुना भी। ये झूठ सुनकर देश के लोगों के मन में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पद के गरिमा के बारे में क्या विचार बना होगा कि ऐसे झूठे लोग इस कुर्सी पर बैठते हैं, या फिर ये इकलौता ऐसा व्यक्ति है। खैर, ये झूठ कैसे है, पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो वीडियो क्लिप सुनिए जिसके बारे में आज के प्रधानमंत्री मोदी झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. जी हाँ दोस्तों, ये आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को सुना, जो न सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के बारे में, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मुसलमानों के बारे में। और इसी स्पीच को गलत तरीके से मोदी अपने भाषण में पेश करते हुए दिख रहे हैं, कहिए तो लोगों को गुमराह करते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस बारे में इंडिया टुडे ग्रुप का देशी वर्जन लल्लन टॉप ने भी पड़ताल किया है, ये भी देख लीजिए। संसद में कही बात रिकॉर्ड पर जाती है, ये बात भी गई। बात 15 साल पुरानी है, 9 दिसंबर 2006 का दिन, और इस दिन मनमोहन सिंह बोले, किसी चुनावी रैली में नहीं, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद को संबोधित कर रहे थे। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना और विकास के लक्ष्यों पर चर्चा हो रही थी। आपको पता ही होगा कि इस विकास परिषद के डिफैक्टो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस हैसियत से बैठक में डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल रहे थे। हमने इस भाषण का वीडियो खोजने की कोशिश की, नहीं मिला, पर उनके भाषण का टेक्स्ट मिला जो प्रधानमंत्री दफ्तर के पास आज भी मौजूद है। इस भाषण का हम आपको वो पैराग्राफ बताएंगे जिसमें ये कथित विवादित लाइन है, ताकि आप संदर्भ समझ सकें। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं, इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इसी संदर्भ में कहा गया संसाधनों के बारे में, और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भी शामिल हैं। तो जी, ये आपने देखा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सच साबित हो गया कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जैसा आज के डेट में मोदी जी दुष्प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे ही गुमराह करने के लिए फेक न्यूज की फैक्ट्री आजकल धड़ल्ले से चलाई जा रही है। देश के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही जब ऐसा काम करने लग जाएं, तो फिर गोदी मीडिया कौन सी खेत की मूली है। इसीलिए ये लोग भी दिन भर अपने डिबेट के माध्यम से इसी तरह के सैकड़ों झूठ लोगों के सामने परोसने का काम कर रहे होते हैं, और इसकी कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि सैया भयल कोतवाल तो फिर डर काहे का। पर जो सच है वो सच हमारे सामने है। लेकिन उनके बयान को इस तरह से प्रचारित किया जाने लगा अगले रोज से ही कि प्रधानमंत्री बोले, मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक। मजा आया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।